to give you a quiz on telecom companies in India 2021. So let us start. Which is the number one telecom company in India? क्या आप जानते हैं कि कौन सी कंपनी नंबर वन पे है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं. Reliance Jio was the leading company with a wireless telecom subscriber base of over 411 million across India at the end of 2020 के एंड में रिलायंस में 411 मिलियन सब्सक्राइबर बेस था. द साउथ एशियन कंट्री वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट वर्ल्ड. और साउथ एशिया कंट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट वर्ल्ड वाइड है. द नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स इन इंडिया अमाउंटेड टू अराउंड 1.17 बिलियन दैट ईयर. और उस साल में 1.17 बिलियन सब्सक्राइबर इंडिया में थे. Which is the strongest network in India? क्या आप जानते हैं कि कौन सा network strongest है इंडिया में? नहीं जानते तो जान लीजिए. Vodafone keeps a grip on upload speed experience. Vodafone won the award in this category and continued to dominate upload speed experience nationally with a score of 3.9 Mbps. Vodafone and Idea has an edge over their rival in the average upload speed of their user. So, Vodafone जो है वो strongest network वाला company है. और उसकी upload speed जो है 3.9 million of bit per second है. Vodafone Idea had an edge over their rival in the average upload speed of their User, और अपने सारे rivalries को उसने हराया है. Which is a faster Airtel or Jio? Airtel faster है कि Jio faster है? पता है आपको? नहीं पता तो जान लीजिए. Airtel internet speed improved marginally and was found to be a lowest at 5 Mbps according to the June data for the telecom regulator. अब एयरटेल की 5 Mbps मिनिमम स्पीड है और मे के डेटा के हिसाब से वोडाफोन आइडिया हैड एवरेज डाउनलोड स्पीड 6.2 Mbps. मे में उसकी 6.2 Mbps थी, रिलायंस की 4.8 Mbps है और भारतीय एयरटेल की 3.9 Mbps है. तो उस हिसाब से एयरटेल की स्पीड सबसे ज़्यादा है, लेकिन आजकल चेंज हो गई है. और विच 4G सिम इज बेस्ट इन इंडिया? कौन सी 4G सिम इंडिया में बेस्ट है? आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए. जियो रिमेन्स टॉप इन 4G अवेलेबिलिटी एंड 4G कवरेज एक्सपीरियंस. एज 4G एसेस ग्रोथ इन इंडिया, जियो हैज नाउ सरपास्ड द 99% 4G अवेलेबिलिटी माइलस्टोन विद अ 0.5 percentage point increase since open signals last report. तो जियो जो है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट सिम है और 99% उसने अपना आधिपत्य जमाया है और बहुत ही पॉपुलर है. विच टेलीकॉम कंपनी हैज अ हाईएस्ट कस्टमर इन इंडिया? ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत ईजी है. चलिए बता देते हैं. द टोटल कनेक्शन जियो हैज गेन 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर अगेंस्ट द लेटर 4.7 मिलियन. ट्राया नोटेड दैट द टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया नोटेड दैट वायरलाइन सब्सक्राइबर इंक्रीज फ्रॉम 20.24 मिलियन एट द एंड ऑफ मार्च 2021 टू 20.36 मिलियन एट द एंड ऑफ अप्रैल 2021. तो 20.24 मिलियन सब्सक्राइबर जो थे वो बढ़ के 20.36 मिलियन हो गए अप्रैल के एंड तक. तो ये जो डेटा हमें मिला वो हम आपको बता रहे हैं, आजकल और बढ़ गया होगा. सो व्हाट आर द टॉप सिम कार्ड ऑफर फॉर इंडिया? कौन से ऐसे टॉप सिम कार्ड हैं जो इंडिया में ऑफर हो रहे हैं और जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उन लोगों को और स्पेशली बॉयज़ को तो ज़्यादा ही पता रहता है
क्योंकि वो मार्केट में डील करते रहते हैं फोन्स को, सबकी शॉप होती है। सो आप लोग आंसर दीजिए, बेस्ट मोबाइल नेटवर्क इन इंडिया, बेस्ट प्रिपेयर्ड सिम कार्ड फॉर इंडिया इन 2020, दैट इज वोडाफोन सिम कार्ड डील फॉर इंडिया, जियो पे एज यू गो सिम कार्ड फॉर इंडिया, एयरटेल वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर इन इंडिया। तो तीन सिम्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वोडाफोन, जियो एंड एयरटेल। विच सिम इज़ द बेस्ट फॉर इंटरनेट, कौन सी सिम इंटरनेट के लिए बेस्ट है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। रिलायंस जियो हैज़ द बेस्ट 4G कवरेज इन इंडिया, बट एयरटेल इज़ द फास्टेस्ट। कवरेज के हिसाब से तो रिलायंस अच्छा है, लेकिन फास्टेस्ट एयरटेल है। तो ऑपरेटर जियो जो है वो 4G अवेलेबिलिटी उसकी 98.9% है, एयरटेल की 90% है, वोडाफोन की 84.6% है, आइडिया की 82.8% है। If you like this quiz, then I shall make more. Please subscribe my channel, Ratan Agarwal, IT Informer. Follow my all social media link. Join Telegram channel, Tech Ratan. Thank you.